तू कैसा लगा नमाज के लिए? मजा नहीं आया? कैसा लगा? नहीं मजा आया। कैसा लगा? और मैं और आया। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं दूसरा जो नाम लूंगा। बहुत सारे लोग काम करते हैं एजेंसी में और परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने एजेंसी ली, घर पे पहुंचा, मेरी वाइफ ने मतलब बोला आज शानदार काम किया आपने, बात क्या काम किया, इसके बढ़िया कोई काम ही नहीं है। पिताजी के पास गया, पिताजी के गले लगा लिया, बात क्या काम किया तूने। दोस्तों ने कहा किसी का बीमा नहीं करना, सबसे पहले मेरा बीमा करने से लाइट लगा दिया। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? यस या नो? नहीं होता। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। सबसे पहले आपका परिवार ही आपको होता है। बहुत सारे लेडीज जो बोलते हैं यार पोती पत्नी ये माइके को जा रहे पॉलिसी उसी की बात वहां मत करना। दोस्त कहते हैं गोवा में ट्रिप बनाया कि सारे अगर उनके पॉलिसी की बात तो समझ लेना। अब पिता बोलते हैं साले ये थोड़ा सा काम ले लिया और काम नहीं लिया। उतना निगेटिव से झेलने के बाद और आप लोग यहाँ बैठे और काम कर रहे थे, एक बार अपने सारे एक हमारे बॉस गांधी दादा जी की बात बोलते हैं वो मैं बोल देता हूँ उनके आने से पहले ही पैसा उठा देता हूँ। अब काम वो करते हैं जो कोई करना नहीं चाहता है और माल वो बेचते हो जो खरीदना नहीं चाहता है। तो देख रहे काम वो करते हैं जो कोई करना नहीं चाहता और माल वो बेचते हैं जो कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन परिवार का आपके पास सपोर्ट हो तो आप कुछ भी कर सकते। हमारे पास एग्जाम्पल हेलमेट एजेंसी कर रहा था, अब वाइफ कहीं जॉब कर रही है, ट्रेनिंग में आई, सुना कह रहे एजेंसी में उतना सारा कुछ इतना कुछ कर सकते हैं। और हमारे बॉस से मिली, बॉस ने बोला आप नौकरी छोड़ दो मैडम और अपने हेलमेट को सपोर्ट करो। 2019 की एजेंसी है, सबकी है 2020 में कोई आ गया था यस या नो? मार्च में और मार्च 2020 मार्च में कोई आ गया था 20-21 तारीख से। और उस कोविड के बाद भी, उस कोरोना काल में भी अपनी एजेंसी के पहले वर्ष में एमडीआरटी करने वाला वो कपल को मैं मंत्रित करूंगा, विवेक यादव जी और मैडम प्लीज आप शेयर लेकर ताली में थोड़ा दम होना चाहिए यार। और ना कोई ऐसी चीज बताऊंगा जो सर बताते हैं, काजिम सर बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको लगेगा कि अगर हम ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी अगर कुछ कर सकते हैं ना तो कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि हर किसी की चाह रहती है और जो सबसे पीछे लाइन में जो बैठे हैं ना उनकी चाह होगी लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन होगी कि पता नहीं आगे जाएंगे सीट खाली मिलेगी नहीं मिलेगी। चल कोई बात नहीं, यही बैठ सकते। क्या ऐसा हुआ आप लोगों के साथ जो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे हैं? सबसे पीछे वाली लाइन में जो बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं। कहने का कि हमने अभी आज भी 500 रुपए तो अपने कमा लिए। क्यों? भाई ने हमें बोला कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपसे कोई भी फीस नहीं लेंगे। है कि नहीं?
बता देता हूं, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं विवेक यादव, ये मेरी धर्मपत्नी जी नीतू यादव, हम दोनों रेवाड़ी से, और ब्रांच हमारी 11 जी मनोज भाई बैठे हैं यहां पे। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, हम रेवाड़ी से हैं और हम मेरी शादी हुई 2010 में, उससे पहले भी मैं अपने पारिवारिक बिजनेस में ही था। करीब 20 सालों से मैं अपना पारिवारिक बिजनेस कर रहा था और 2010 के बाद ये आए और इनकी एजुकेशन ठीक थी तो इन्होंने अपना टीचिंग प्रोफेशन चुना। मैं अपना पारिवारिक बिजनेस कर रहा था, धीरे 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 लाइफ बढ़ रही थी। 2012 में हमें एक सुंदर सी बेटी ईश्वर ने दी, आज वो 11 साल की हो गई है। और 2019 में जैसा भाई ने बताया, ठीक 7 दिन बाद मेरा बेटा हुआ था, 7 जुलाई को, 10 जुलाई को, और उसके ठीक 7 दिन पहले मेरे को एजेंसी मिली थी। तो सर ने मेरे से बोला, मेरे जो सीनियर सर है, कि आपके बेटे की किस्मत बहुत जोर की है, बहुत अच्छी किस्मत है आपके बेटे की। मैंने एक ही बात कही थी, सर मेरे बेटे की किस्मत नहीं, मेरी बेटी की किस्मत अच्छी है। मैं बाद की बात पहले बता दूं, ये जो सफर रहा ना हमारा एनडीआरटी और सीओटी का, इसके पीछे सबसे ज्यादा प्रेरित मेरी उस छोटी गुड़िया ने किया। जब मैं रात को घर पहुंचता था, चाहे हम मैं अकेला जाता चाहे हम दोनों साथ में जाते, वो हमेशा पूछती थी, आज कितनी पॉलिसी बेच के आए हो, आज कुछ करके आए हो कि नहीं करके आए हो। सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपने परिवार में उस सदस्य को जरूर अपना टारगेट बताओ जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर देखो काम कैसे होता है। थोड़ा सा ये बताएंगे अपने बारे में कि कैसे ये आए और कैसे इन्होंने मेरे साथ में काम किया। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, मायसेल्फ नीतू विवेक यादव। सबसे पहले हम यहाँ पर हैं वो सिर्फ काजिम सर की वजह से हैं, तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, बट फिर भी मैं अपनी शुरुआत उनके लिए 4 लाइन बोलकर करना चाहूंगी कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, लेकिन एक अच्छा गुरु काफी है आपकी जिंदगी संवारने के लिए। मैं खुद टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और अच्छा खासा मेरा एक रेवाड़ी में रेप्यूटेटेड स्कूल है जिसको 49 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसमें मैथ्स टीचर एज अ मैथ्स टीचर मैं जॉब कर रही थी और मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी थी, क्योंकि होता है ना हर लड़की के साथ होता है, हर फीमेल यहाँ पे जो भी है वो कोरिलेट कर पाएगी कि शादी के 1-2 साल तक तो हम सोचते हैं कि हम आगे पढ़े, आगे हमें ये करना है, बट धीरे धीरे हम उस अपने परिवार में जैसे बच्चे आते हैं तो हम उसमें रम जाते हैं, और जो भी हमने जॉब पकड़ ली तो हमें लगता है कि अपने बच्चों के देखभाल के साथ साथ हम जो कर पा रहे हैं वो ठीक है, इट इज इनफ। तो वही मेरे साथ था, मेरी गुड़िया 2012 में हुई, उस टाइम में मेरी एजुकेशन चल रही थी और फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और उसका भी स्कूल और घर देखते देखते मैं सेटिस्फाइड थी। 2019 में हमारा जब बेटा हुआ और इन्होंने एजेंसी का एग्जाम दिया तो इन्होंने बोला कि एक बार आप सर से मिल लो, उस टाइम मैं मैटरनिटी लीव पे थी, तो मैंने इनको कहा कि ठीक है आपको करना है आप करिए बट आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब। सर जो हमारे सीनियर हैं SBA श्री नरेंद्र जी, मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी कि वो एक इतने अच्छे सीनियर हैं कि उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं, उन्होंने ही काजिम जी का जैसे बताया वो ट्रेनिंग में हम आए और तभी ये सब पॉसिबल हुआ। तो जब मैंने स्कूल फिर कोविड आ गया तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी और ऑनलाइन क्लासेस में टीचर का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मेरी जो 12 आवर्स की जगह 23 आवर्स की हो गई, मतलब मैं सोती भी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सोती भी सिर्फ 2-2 घंटे थी, क्योंकि बच्चों के लिए वीडियोस भी बनानी थी, सब कुछ ऑनलाइन था, बच्चों को क्लासेस भी देनी थी। उस टाइम पे सडन प्रोग्राम आया था झूठ का जुनून और वो नरेंद्र जी ने
काम नहीं हो रहा तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हमने कोविड में वो झूठ के जुनून से सर की ट्रेनिंग शुरू करी थी, वहां पे जैसे आज हम आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऐसे कुछ लोग डेली की जैसे बीच में क्लास होती थी और हर वीक अलग अलग लोग आते थे और अपना एक्सपीरियंस बताते थे। ये मुझे फोर्स करते थे कि तुम भी सुनो और मैं अपने स्कूल के काम में बिजी। मैं कहती थी ठीक है आप सुन रहे हो आप सुनो, कभी कभी टाइम लगता था थोड़ा बहुत कुछ सुन लिया। उसके बाद ये मोटिवेट हुए और ये मतलब फुल टाइम लोगों को फोन पर कन्विंस करते थे क्योंकि कोविड में हम किसी से मिल तो सकते नहीं थे, तो ये फोन पर कन्विंस करके भी ये अपना काम कर रहे थे। फिर से एक कोर्स आया 90 डेज चैलेंज जो कि मॉर्निंग में होता था। अब धीरे धीरे कोविड भी खत्म हो गया था तो टीचर्स की जॉब शुरू हो गई थी, हम ऑफलाइन स्कूल में जाने लग गए थे। मॉर्निंग में इधर मुझे स्कूल भागने की जल्दी होती और इधर ही अपना वो ऑनलाइन क्लास लेकर बैठ जाते हो, कभी किचन में मेरे पीछे पीछे लैपटॉप लेके और कभी इधर कि तुम भी सुनो सुनो उनको कि वो क्या बता रहे हैं। जब मैंने उनको सुना और देखा कि वो ना सिर्फ आपके बिजनेस के बारे में बता रहे हैं बल्कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक फादर को अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए जो हम एक एज में आकर भूल जाते हैं, तो मेरा वहां से उनकी तरफ अट्रैक्शन शुरू हुआ कि हाँ ये कुछ अलग बातें भी बता रहे हैं। काजिक जी की जो सबसे अच्छी बात है कि वो आपकी बिजनेस लाइफ पर नहीं आपके लाइफ के चारों पार्ट पर काम करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आपकी बिजनेस लाइफ। कोई नहीं है आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं वो आपको कुछ सिखाएंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस से मतलब होता है, उनको नहीं मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली में आपके रिलेशन कैसे हैं, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। इस बीच में जब फिर मैंने स्कूल छोड़ा, काजिम जी एक बार रेवाड़ी आए थे, हमने ऑफलाइन उनका एक प्रोग्राम देखा तो उन्होंने कहा कि जब आप इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं तो आप मेरे घर से बस जॉब छोड़ दीजिए। मैंने कहा सर अगर जॉब छोड़ दी प्राइवेट स्कूल में हूं तो मिलना बहुत मुश्किल होगा, तो बोले आप छोड़ दीजिए आप रिग्रेट नहीं करेंगे। उस टाइम मेरी सैलरी 30,000 थी और मैंने स्कूल क्विट कर दिया। 2-3 महीने मुझे बहुत डर लगा। ये एक अच्छी बात थी कि जब मैं स्कूल से आने लगी तो स्कूल के डायरेक्टर ने मुझे अपने केबिन में बैठाकर कहा कि मैम आप एक चीज करिए, यहाँ साइन करके जाइए कि अगर आप स्कूल को ही करेंगे तो यही ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आप कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। हमने वो क्लासेस ली और हमने जब दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उस बीच में मेरी गुड़िया ने जब हमारा स्ट्रगल देखा तो सर ने बताया था हमें, काजिम जी ने, कि अपने परिवार को ये सपने बताइए, तो हमने उनको बताया कि हमें MDRT करना है। एक दिन हम सरप्राइज थे कि जब हम घर आए तो मेरी गुड़िया ने मार्कर लेकर कूलर पे, फ्रिज पे, ड्रेसिंग के शीशे पे, जो जो उसकी रीच में स्पेस थे उन सब पे MDRT लिखा हुआ था मार्कर से। That is the motivation. जब आप अपने सपनों को जोड़ लेंगे ना तो आप एजेंसी कर पाएंगे। ट्रेनिंग एक दिन लेने से या एक बार लेने से कुछ भी अचीव नहीं होता। वो 90 डेज खत्म होने के बाद धीरे धीरे हमें लगा कि हम कैसे आगे बढ़े और हमने वे टू MDRT सर का एक प्रोग्राम होता है जो पूरे 12 महीने उसकी क्लासेस चलती है, हमने वो ज्वाइन किया। वो एक बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्स है, वहां से बिजनेस कैसे होता है, आप लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, वो सब कुछ शुरू हुआ। अच्छी बात सबसे जो मुझे लगी वो ये है कि सर ये कहते हैं कि अपना दिमाग बंद रखो, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने बताया वो जाकर क्लाइंट के सामने बोल दो तो इसे इजी और क्या होगा काम करने के लिए कि आपको कुछ सोचना ही नहीं कुछ करना ही नहीं, काम करते रहे ऐसे ही। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने सोचा कि ये भी अच्छा कर सकती है इसको करते हैं, तो वो बोली कि तुम ही अपने हस्बैंड को 24 घंटे झेल सकते हो, मैं नहीं झेल सकती। हस्बैंड वाइफ 24 घंटे साथ रह कैसे सकते हैं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो सुबह जा रहे हैं जॉब पे और शाम को आ रहे हैं, एक संडे भारी हो जाता है हमारी तो 10 बार लड़ाइयां होती है। और जब हम सुपर सिक्स में आए तो इसने सेम हमें ये बात पूछी कि मैम आप हमेशा सर के साथ रहते हैं। मैंने कहा जी हम तो 24 घंटे साथ ही रहते हैं, आप लोगों की लड़ाई नहीं होती? दिन में 5 बार लड़ाई होती है, मतलब मीटिंग से चलते हैं तो गाड़ी में डिवोर्स तक भी हो जाते हैं कि चलो सबसे पहले तो मैं डिवोर्स साइन करूंगी। बट स्टिल ये काजिम जी का मोटिवेशन है कि काम अच्छा हो पा रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ट्रेनिंग का इसलिए है कि हमने कभी भी ट्रेनिंग स्टॉप नहीं करी।
V2MDRT, उसके बाद हमने ऑनलाइन कॉर्पोरेट कोर्स ज्वाइन किया, उसके साथ साथ जो 90 डेज चैलेंज है वो उनका आया, अभी 21 डेज चैलेंज आया था वो भी किया, और सुपर सिक्स की हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है जिसका दो तीसरा सेशन कल भी है, वो भी हमारा दिल्ली में ही रहेगा। अगर आप ट्रेनिंग से जुड़े रहे तो डेफिनेटली आप उतना अच्छा काम कर पाएंगे। ऐसा लगता है कई बार सुनने में कि पता नहीं, जब मैं शुरू में किसी का एक्सपीरियंस सुनते थे तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं ये लोग सच बोलते भी है या नहीं, कहीं से बुलवाया तो नहीं जाता है, बट सच में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। एट द एंड मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि वन स्माइल कैन स्टार्ट अ फ्रेंडशिप, वन वर्ड कैन एंड अ फाइट, वन लुक कैन सेव अ रिलेशनशिप, एंड वन पर्सन कैन चेंज योर लाइफ। और हमारे लाइफ को चेंज करने वाले काजिन संधु में दिल से सैल्यूट करती हूँ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज एक बार उनके साथ जुड़ के देखिए V2MDRT में, अगली बार हमारी जगह आप फिर से कोई होगा। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात और बता दो इसमें, मैं हमने काम कैसे शुरू किया है, हमने सबसे बड़ी पॉलिसी अपनी, शायद मेरे नोटिस में जहां तक है सबसे बड़ी पॉलिसी अपनी कराई ब्रांच में, और वो पॉलिसी कौन ले जा के जो हमारे थोड़े बड़े क्लाइंट थे उनके सामने रखा कि जब हम इतना कर सकते हैं तो उनको थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार ये एजेंट है LIC का, जब ये इतना प्रीमियम दे सकता है तो मैं तो इससे ज्यादा दे दूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैंने पिछले साल भी कई साथियों को बोला, क्योंकि दो साल से, डेढ़ साल से, एक साल से जो एजेंसी में थे, कि अपना अब तक कराया है कि नहीं। साथियों बिल्कुल हिचकूंगा नहीं, सबसे पहली पॉलिसी इनकी थी मेरी एजेंसी में। LIC से पॉलिसी मैंने बहुत पहले ले ली थी, एक एक्सीडेंट के बाद मैंने LIC से पॉलिसी ले ली थी, बीमा ले लिया था, और थोड़ा सा उस चीज को भी मैं शेयर करता रहा हूं अपने पॉलिसी होल्डर के, क्योंकि वो एक समझो कि पुनर्जन्म सा ही था हम तीनों का, तो वो चीजें भी हम बताते हैं सामने वाला। देखो जब आप कोई चीज सच्चाई और ईमानदारी के साथ किसी से भी बात करते हैं ना, विश्वास करता है आपका, आपके शब्द, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला पढ़ लेता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं क्या झूठ है। तो वो बातें जब हमने अपने साथियों के साथ शेयर की तब उन्होंने बीमे की इंपॉर्टेंस समझी और वो कराने लगे। बहुत सी चीजें हैं, देखो ट्रेनिंग के बारे में तो इतना बता देता हूं कि अगर आपने एक ट्रेनिंग करके, दो ट्रेनिंग करके, तीन या पांच ट्रेनिंग करके छोड़ देते हो ना, तो ये वही चीज हो जाती है कि जैसे आपका किसी ने प्लग निकाल दिया हो और मशीन काम करना बंद कर दी। अगर आपने LIC में रहना है, LIC के बिजनेस को करना है, तो कंटिन्यू काजिम जी के साथ जुड़े रहिए। आपका कोई भी टारगेट, आप कितना भी बड़ा टारगेट ले लो, सब छोटे हो जाएंगे, आप हर टारगेट अचीव करते चले जाएंगे। सर आए नहीं है, मैं उनके सामने ये शब्द कहना चाहता था, लेकिन सहनाज भाई बस एक मिनट और बोलूंगा मैं। एक सबने रामायण का ये वाक्य, सबने जो हमारे एज में थोड़े ज्यादा बैठे हैं या कुछ भाई जवानी में भी पढ़ लेते हैं ये चीजें, तो रामायण का एक वाक्य है, जब सीता माँ को ढूंढने भगवान हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, मतलब समुद्र पार करना था उनको, तब उनके सामने एक ये आया कि मैं इसको कैसे पार करूं, कुछ उनके साथ लोग थे वहां, एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने उनको उनकी शक्ति के बारे में बताया कि हनुमान उठे और तुम ये कर सकते हो। उनका नाम जामन। काजिम जी को मैं वो दर्जा देता हूं कि काजिम जी ने हम सबके हनुमान बैठे हैं, हम सबको हनुमान है, लेकिन हमारे हनुमान को पहचानना और उसको जगाना वो काम काजिम जी करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर का। मैं सबसे पहले उस ईश्वर का आभार प्रकट करता हूँ, अपनी LIC इस माँ का आभार प्रकट करता हूँ और अपने सभी पॉलिसी होल्डर का आभार प्रकट करता हूँ जिनकी वजह से आज हम बीमा करें। धन्यवाद, आपने सुना, हमने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल रहेगा, मेरे को तो लगा एक बात का, आजकल बहुत सारे कोटेशन चलते रहते फेसबुक वगैरह पे, वीडियोस वगैरह, कि अपना सपना लोगों से और लोगों को मत बताओ। ये गलत बात है, अगर आप अपना सपना बताएंगे लोगों को तो लोग फॉलो अप करेंगे, हाँ भाई रियलिटी कब कर रहे हो तुम तो बोल गया है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको बड़ा बनाती है, अपने सपनों को बड़ा करिए। और इसी क्रम में मैं संजय गिलानी सर और मीनाक्षी मैम को बुलाऊंगा कि आप दोनों लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट करिए इतना बढ़िया शेयरिंग करने के लिए। ये मैम एक बार जोरदार ताली प्लीज। और मैं ट्रॉफी बोलूंगा संजय सर से एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच।